राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास के सातवें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले छह दिन की कथा के वीडियो आप मेरे चैनल पर देखकर कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक स्नान के व्रती के लिए इस माह संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए चार नियम आवश्यक हैं। प्रथम, सुबह उठकर स्नान करना। दूसरा, तुलसी पूजा। तीसरा, हर पूजन भजन कीर्तन। चौथा, दीप दान। कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। यदि आपके घर के समीप वेद पाठी ब्राह्मण है तो उसका पूजन करें। तुलसी पूजा के बाद परिक्रमा कर धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें। इस माह में पीपल, पथवारी, आंवला, तुलसी आदि की पूजा कर कथा सुने या सुनाएं। इस माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजन से लक्ष्मी जी तथा कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए कार्तिक मास के सातवें दिन की कथा श्रवण करें। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। विषाक्त वस्तुएं जैसे आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली चीजों का परित्याग कर दे। इस महीने व्रत रखने वाला दूसरे के अन्न को ग्रहण न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। चुगली, निंदा न करे। जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, जवीरी, नींबू, मसूर और बासी व जूठा अन्न ग्रहण न करे। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब छोड़ दे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल, सीमित स्थान में ठहरा हुआ जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान के भोग लगाया हुआ अन्न, इन सबको मांस के तुल्य कहा गया है, अतः ये सब का प्रयोग न करें। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सहन करें, पत्तों पर भोजन करें, वह भी चौथे पहर में करें। कार्तिक व्रती केवल नरक चौदस यानी कि छोटी दीपावली के दिन तेल लगावें। इस तिथि को छोड़कर अन्य किसी भी दिन तेल का प्रयोग न करें। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुम्हेड़ा, कटहली, तरबूज, कैथ आदि का प्रयोग वर्जित है। रजस्वला स्त्री का परित्याग करें। मलेच्छ, पतित, द्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से व्रती मनुष्य बात न करे। कुत्ता और कौओं को देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को, दो बार पकाए गए अन्न को और जले हुए अन्न को न खाए। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी उपरोक्त वस्तुओं को छोड़ दे और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए शक्ति अनुसार चंद्र पूजन करे। काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, वेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके साथ को प्रतिपदित तिथियों से त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे अथवा खाना चाहे उसमें पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगा के ही स्वयं भोजन करे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ मास में भी उक्त नियमों का पालन करे और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण करे। उपरोक्त रीत से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत भी भाग जाते हैं, जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक व्रत करने वाले को वैकुंठ। इस भूतल में जितने भी भोग और मोक्ष हैं, वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं। इंद्रा देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक राजा की। विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पूजा पर बैठता है वहाँ भूत पिशाच ठहरते नहीं है। इस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले के पुण्यों का वर्णन चार मुख वाला ब्राह्मण भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र और धन्य को बढ़ाने वाला होता है। इन व्रतों के नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे आगे की कथा को आप मेरे अगले चैनल में देख सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं।
अब आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा दृष्टि यूं ही बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।